एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो आजकल मतलब हमारे जो पहाड़ों में जो काम चला है वो खेती जुताई का चला है। तो खेत तैयार कर रहे हैं मक्की बीजने के लिए, तो पीछे यही काम हो रहा है। साक्षी के पापा और चाचू लगे हुए हैं दोनों जने, और मैं भी आई हूँ। लेकिन मैं ये घास इकट्ठा करने आई हूँ, इसको पहले ही काट के रख दिया था। हम इसको बोलते हैं शुल्की, शुल्की और जाई भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरह की दिखती है, इसको बोलते शुल्की और जाई। तो इसको पहले ही काट के रखा है, अब ये थोड़ी सूख गई है धूप में, अब इसको हम घर लेके जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको। अब जैसे पहले होता था ना, पहले पिछले साल हमने हमारे जो खेत हैं वो जो हमारे मवेशी होते बैल होते उनसे जुते थे सारे खेत। लेकिन इस बार हमने ट्रैक्टर ले लिया है, तो अब थोड़ी हेल्प हो जाती है। मतलब जो ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर से अब जैसे जो एज एरिया होता है ना खेत का, एज एरिया और ये वाली साइड, मतलब ये करने को नहीं रहती। जब मतलब बैल से करते थे ना, तो एज एरिया को भी करना पड़ता था कुदाल के साथ, इसके साथ, और मतलब जो साथ वाला ये जो इस तरफ घार बोलते हैं हम, इस तरह का एरिया है, इसको भी करना पड़ता था कुदाल से। लेकिन ट्रैक्टर से अब ये होता है कि हम जो लेडीज़ हैं हमारी जान बच गई है। ट्रैक्टर से ट्रैक्टर कोने कोने जाके मतलब अच्छे से जुताई कर लेता है खेत की, तो अब बहुत हेल्प होगी हमारी और हमको भी थोड़ा रेस्ट मिल गया है। तो ट्रैक्टर लेने का यही एक मोटिव था कि मतलब जो मतलब बोले तो जंगल जहाँ बेड़ खंडे नर हैं थे हमारी लोकल लैंग्वेज में बोले तो इसीलिए अब ट्रैक्टर ले लिया। तो अब काफ़ी अब आराम हो गया हमें। लेकिन पहले बहुत दिक्कत आती थी, पहले जब जुताई करने आते थे ना बैल के साथ, तो एक आधी लेडीज़ को भी आना पड़ता था, जहाँ जहाँ बैल नहीं कर पाते थे फिर वहाँ पर कुदाल से करना पड़ता था। एक तरफ से जैसे अब जैसे नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो एक तरफ से बढ़िया भी है। अब जैसे बेचारे बैल हैं उनको भी तो रेस्ट ही मिला है देखा जाए तो, क्योंकि पहले तो बैलों का इस टाइम बुरा हाल हो जाता था। मतलब जब जुताई का टाइम होता है ना, तो बैल बेचारे, अब जैसे हमारे तो एक ही जोड़ी बैल थे, तो उनका तो बेचारों का बुरा हाल हो जाता हमारी जाता था। हमारी इतनी सारी ज़मीन है, पूरी ज़मीन में उन दो से ही जुताई करते थे। लेकिन अब चलो उनको भी बेचारों को रेस्ट है, शांति है। अब ट्रैक्टर, वैसे मैं करूँ ट्राई चलाने का ट्रैक्टर, वैसे मूवमेंट बड़ी होती है ना, पर मैं अच्छा कोशिश करती हूँ। पर ऐसे ना कि मैं गिर गई या ट्रैक्टर मेरे से कुछ हो गया तो फिर ये देख लेंगे। चलो मैं ट्राई करती हूँ एक बार ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करती हूँ। तो बबली अभी जाई को इकट्ठा कर रही है, आज इसे बहुत काम है आजकल। मैंने बोला आजकल बबली को बहुत काम है, बिजी लाइफ। तो ये इकट्ठा करेगी और उसके बाद बारा लगाएंगे और घर को ले जाएंगे घास। तो बबली ये समेट रही है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन डंगों के कारण, क्योंकि सीढ़ी नुमा खेत होते हैं और हर बार बरसात के टाइम ये चले जाते हैं और फिर हमें इस टाइम लगाने पड़ते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मक्की बीजते टाइम फिर से डंगे चले जाते हैं और बड़ी दिक्कत आती है। अभी सभी को यही काम चला है, खेतों को खाली कर रहे हैं। और तो मेरे साथ चाचू हैं आज खेत जोतने के लिए।
चाचू को बहुत देर हो गई, इनकी शिफ्ट को करते हैं, रेस्ट देते हैं और फिर मैं लगता हूँ। फिलहाल चाचू को एक राउंड लगाने देते हैं, उसके बाद मैं लगता हूँ फिर शिफ्ट पे। पहले खेत बैलों से जोतते थे तो बस बैल जैसे मर्जी चले, पीछे वैसे ही चलना पड़ता था, पर अब ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर को अपने कंट्रोल के हिसाब से चला सकते हैं, कहीं मर्जी वहीं मोड़ सकते हैं। बस हमें ये थोड़ा सा रहा है, उसके बाद फ्री हो जाएंगे आज के दिन के लिए, फिर जाएंगे अपने अपने काम पे। चाचू स्कूल चले जाएंगे और मैं गाड़ी के साथ निकल जाऊंगा। तो बबली ने घास इकट्ठा कर ली है और ये अब लगा रही है भरे। ताई भी आ गई, भरे लगाते हैं और यहाँ करते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपने अपने काम पे। टाइम भी ज़्यादा नहीं, 9 बजने वाले हैं और उसके बाद चाचू को भी स्कूल जाना है और मुझे भी अपने काम पे जाना है, फिर वो करते हैं अब वही काम। फिलहाल इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो खेत जुताई का काम अभी भी पीछे चला हुआ है, लेकिन मतलब अब जैसे इस टाइम खेत जुताई का काम है ना, इस टाइम और भी छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, उनमें से जो मेन काम है ना खेतों का, वो ये वाला काम है। ये आप देख रहे हो ना पत्थर पत्थर नीचे, मतलब हर साल जैसे बरसातें होती हैं फिर बर्फ़ का टाइम होता है, तो जो खेत होते हैं ना ये अपनी जगह से मतलब कुछ कुछ एरिए इसके जो हैं वो धस जाते हैं, मतलब तो इसको हम बोलते हैं उदराड़ा अपनी लैंग्वेज में। अब जैसे मैं मुझे अपनी लैंग्वेज में बोलना होगा तो मैं बोलूँगी कि उदराड़ा ग्योरा भाई, है ना। तो वो चले जाते हैं खेतों में और फिर इनको ठीक करना होता है, क्योंकि अगर इनको ठीक नहीं करेंगे ना तो खेत, अब जैसे देखो ये यहाँ पे है ना, तो अगर इसको हम नहीं बनाएंगे तो ये गिरता 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 बोले तो खेत एक तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसलिए इनको देना ही होता है उदराड़ों को, आप इस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्योंकि जो भी पहाड़ी लोग होते हैं ना, जैसे उत्तराखंड में भी मतलब पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे भी ये काम होता होगा डेफिनेटली। तो आपके वहाँ इस चीज़ को क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आप जैसे सीढ़ियों को, खेतों को सीढ़ी नुमा बनाए रखने के लिए ये जो उदराड़े हैं ये देने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो साथ में ये काम भी चला हुआ है हमारा आजकल, मतलब हर खेत में तीन तीन चार चार जगह ये ऐसे ज़मीन धस गई है, तो बहुत दिक्कत आ रही है इसकी वजह से, मतलब अच्छे से जुताई भी नहीं हो पा रही है। तो इस ये काम भी साथ में हमारा चला हुआ है। तो फिलहाल अभी हम निकलेंगे ओहो घर की तरफ, मैंने ये घास देखा ही नहीं था, अभी देखा, अब इसको भी कलेक्ट करना पड़ेगा। काशा अच्छा ले, ओहो उल्टा पुल्टा कर दिया बाबू, ले कश देना कश देना, बस ज्यादा भी नहीं कश नीड़ता। यहाँ नीचे लग रहे हैं उदराड़े, अब उदराड़े होता है मुकुत बन हो जाए, डंगी डंगी लग रही है, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके पूरा, आपने बोला तो अब ये जाएंगे घर, मैं जाऊंगी ऊपर वाले खेत में, ऊपर से भी घास लेना है ऐसा ही वाला, तो मैं ऊपर जाऊंगी और ये जाएंगे घर। बस इस चीका को तो दे, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। बाय, फोन तो लाएगा आप।
तो अब अक्षु के पापा जाएंगे काम पे और अब हम जाएंगे इनको छोड़ने, क्योंकि अक्षु जैसे जैसे बड़ी होती है तो इसका जो अफेक्शन है अपने पापा के प्रति वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो जैसे ये जाने वाले होते हैं इनके पीछे रोना शुरू कर देती है, तो हमने सोचा थोड़ा आगे तक छोड़ाते हैं इनको। नमस्ते। अभी तो मैं इसमें चला। डर भी लग रहा है अक्षु? हैं? डर लग रहा है? मजा आ रहा है? तो ताक्षी अपने चाचू के पास रुक गई है शॉप पे, तो मैं इनको थोड़ा आगे तक छोड़ाऊंगी।